पुलिस बनने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, तो इसमें 6 से 7 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो आपको पुलिस बनने में काफी ज्यादा मदद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पुलिस विभाग में जितने भी पद होते हैं, छोटे या बड़े सभी पद, उनमें से सिर्फ 3 ही पदों पर डायरेक्ट भर्ती होती है, पुलिस कॉन्स्टेबल, पुलिस सब इंस्पेक्टर और DSP। यही 3 पद होते हैं जिन पर डायरेक्ट भर्ती होती है। बाकी जो सभी पद होते हैं जिनमें इंस्पेक्टर, SP, SSP, DIG, ये सभी पद प्रमोशन के द्वारा मिलते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बाकी इस वीडियो में कॉन्स्टेबल, सब इंस्पेक्टर और DSP, इन 3 पदों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आपको आगे सभी कुछ बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं योग्यता की। इसमें पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए 12th पास होना जरूरी होता है। बाकी दोनों पद, पुलिस सब इंस्पेक्टर और DSP, इन दोनों के लिए ग्रेजुएशन पास होना जरूरी होता है, फिर चाहे ग्रेजुएशन किसी भी विषय से की हो। ठीक है, तो इस तरह से योग्यता रहती है। उसके बाद अब आयु सीमा के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए 18 से 25 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए, जबकि पुलिस सब इंस्पेक्टर और DSP के लिए 21 से 28 साल के बीच में आयु सीमा रखी गई है, जिसमें से OBC वालों को 3 साल की और SC/ST वालों को 5 साल की आयु सीमा में छूट भी मिल जाती है। अब इसके बाद पुलिस भर्ती के लिए जो महत्वपूर्ण है वो होता है फिजिकल, जिसमें हाइट लड़के जनरल OBC और SC जाति से जो आते हैं उनके लिए 168 सेंटीमीटर यानी कि 5 फीट 5 इंच होनी चाहिए, और जो लड़के ST से आते हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर यानी 5 फीट 2 इंच हाइट होनी चाहिए। इसके बाद लड़कियों के लिए जो जनरल OBC और SC से आती है उनके लिए 152 सेंटीमीटर यानी 5 फीट, और लड़कियां जो ST से आती है उनके लिए 147 सेंटीमीटर यानी 4 फीट 8 इंच होनी चाहिए। इसके बाद चेस्ट के बारे में जान लीजिए। लड़के जो जनरल OBC और SC जाति से आते हैं उनके लिए 79 सेंटीमीटर और जो ST से आते हैं उनके लिए 77 सेंटीमीटर रखी गई है, जिसमें फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर का फैलाव भी आना चाहिए। यानी इसके अनुसार जनरल OBC और SC से जो लड़के आते हैं उनकी चेस्ट फूलने के बाद 84 सेंटीमीटर और ST से जो आते हैं उनकी चेस्ट फूलने के बाद 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद वजन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि सिर्फ लड़कियों का ही नापा जाता है, जो कि सभी जाति वालों के लिए 40 किलोग्राम होना चाहिए। कुछ राज्यों में यह 45 किलोग्राम भी मांगा जाता है। इसके बाद बात आती है दौड़ की, जिसमें लड़कों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर और लड़कियों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है। यह थोड़ी बहुत अलग अलग राज्यों के हिसाब से ऊपर नीचे भी हो सकती है। बाकी आप अपने राज्य का नाम हमें नीचे कमेंट कीजिए, हम आपको आपके राज्य पर कंप्लीट वीडियो बनाकर बता देंगे। बाकी ये तो हुआ हाइट, चेस्ट, वेट और दौड़ के बारे में क्राइटेरिया। इसके अलावा कुछ राज्यों में फिजिकल में ही बोल थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, चिनिंग अप, इस तरह की एक्टिविटीज भी कराई जाती है, तो इसके बारे में भी जान लीजिए। बोल थ्रो, जिसमें लड़कों को 50 मीटर और लड़कियों को 16 मीटर बॉल फेंकनी होती है। लॉन्ग जंप में लड़कों को 13 फीट और लड़कियों को 8 फीट तक कूद लगानी होती है। इस तरह से हाई जंप में लड़कों को 1.25 मीटर और लड़कियों को 0.29 मीटर डंडा कूदना होता है। इसके बाद चिनिंग अप में कम से कम 5 और अधिकतम 10 चिनिंग अप लगाने होते हैं, तो इस तरह से फिजिकल रहता है, जो कि पुलिस भर्ती में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके लिए आपको पहले से ही हर रोज तैयारी करनी होगी। अब इसके बाद पुलिस भर्ती में होने वाली लिखित परीक्षा के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि पुलिस भर्ती में जितना जरूरी फिजिकल होता है उतनी ही जरूरी लिखित परीक्षा रहती है, ये पास करनी भी जरूरी होती है। और आपको यहाँ पर बता दूं कि पुलिस भर्ती में सबसे पहले लिखित परीक्षा ही ली जाती है, उसके बाद फिर फिजिकल लिया जाता है, तो इसलिए जब आप लिखित परीक्षा पास कर लोगे तभी आप फिजिकल के लिए आगे बढ़ पाओगे, तो इसलिए लिखित परीक्षा भी बहुत जरूरी है। और आपको बता दूं कि लिखित परीक्षा अलग अलग राज्यों में अलग अलग नंबरों की होती है, लेकिन सभी राज्यों में विषय लगभग समान ही रहते हैं, इसलिए मैं आपको एक आइडिया इसका दे देता हूँ। लिखित परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 300 नंबर के 150 प्रश्न आएंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, और 1/2 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 2 प्रश्न गलत करने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा, और यह पूरा पेपर 2 घंटे का होगा, जिसे आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे ये जान लीजिए। जनरल नॉलेज के 76 नंबर के 38 प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल हिंदी के 74 नंबर के 37 प्रश्न पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी के 76 नंबर के 38 प्रश्न पूछे जाएंगे, मेंटल एप्टीट्यूड, IQ एंड रीजनिंग एबिलिटी के 74 नंबर के 37 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इस तरह ये 150 प्रश्न होंगे जो कि 300 नंबर के होंगे। बाकी इसके बाद अगला पॉइंट आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जिसमें 10वीं की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उम्मीदवार का फोटो और सिग्नेचर,
दो रंगीन फोटो, पहचान पत्र, इन सभी डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी, तो ये डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने होंगे। अब इसके बाद सबसे आखिर में आता है मेडिकल टेस्ट, जिसके अनुसार अभ्यर्थी बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, उसे कोई भी किसी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए, आंखों की दृष्टि 6x6 यानी बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, चश्मा भी नहीं लगा होना चाहिए, सटा घुटना या सपाट पैर भी नहीं होने चाहिए, कैंडिडेट के बोन लैग नहीं होने चाहिए, उसमें हकलाना, विकलांगता जैसी कोई समस्या भी नहीं होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस जिसमें उम्मीदवार रंगों की पहचान नहीं कर पाता, इस तरह की कोई समस्या भी उसमें नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से ये सभी मेडिकल टेस्ट लिए जाते हैं जिसमें उम्मीदवार बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से ये लगभग 8 पॉइंट है जो हमने आपको बताए, और पुलिस बनने के लिए ये बेहद जरूरी है, इन सभी पॉइंट से आपको गुजरना पड़ता है। तो इसलिए अगर पुलिस में जाना है तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको दिमागी मेहनत के साथ साथ शरीर की भी मेहनत करनी पड़ती है। बाकी अपने राज्य का नाम हमें नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, जिससे कि हम आपके राज्य में पुलिस भर्ती पर एक कम्प्लीट वीडियो बनाकर आपके लिए ला सके। बाकी इससे संबंधित कोई भी किसी तरह का सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।